उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाईराइज सोसाइटी में मारपीट की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक सोशल मीडिया पर मारपीट और सोसाइटी में तनाव के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ताज़ा मामला सेक्टर 74 कैपटाउन सोसाइटी का है। यहां डेयरी के बूथ संचालक और सप्लायर के बीच जमकर लात घूसे चले। वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डेयरी मालिक और सोसाइटी में दूध की सप्लाई करने वाले एक युवक के बीच मारपीट हो रही है। दोनों एक दूसरे पर लात घूसे चला रहे हैं। कभी डेयरी संचालक सप्लायर को लाते और मुक्के मार रहा है, तो कभी सप्लायर संचालक को लात घूसे मार रहा है। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करने भी आते हैं, लेकिन दोनों को छुड़वा नहीं पाते। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इससे पहले सेक्टर 39 की एक सोसाइटी में खाने के ऑर्डर को लेकर जोमेटो डिलीवरी बॉय ने सोसाइटी में एंट्री को लेकर पहले तो बवाल काटा और फिर सोसाइटी गार्ड के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान दोनों के बीच लात घूसे और डंडे भी चले। मारपीट की पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। सर, थाना 39 क्षेत्र में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? ये एक सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय था जोमेटो का, वो गया था कोई डिलीवरी देने के लिए, और उसके गार्ड ने जाने से अंदर मना कर दिया। ऐसी बात से दोनों का विवाद हुआ, दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। गार्ड का नाम सभी सिंह है और जो सॉरी गार्ड का नाम राम विनय है, और जो ये है जोमेटो का डिलीवरी बॉय का नाम सभी सिंह है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है 151 में और मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया गया है।